नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और देखिए, झारखंड में 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुद्दों की भरमार है, लेकिन इन सबके बीच झारखंड की सियासत में इस बार सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। खासतौर पर इंडिया गठबंधन इस पर मुखर होगा, तो वहीं सत्तारूढ़ जामुमो की राजनीति इन मुद्दों पर सवार रही है। लेकिन सत्ता पर काबिज रहते हुए इन विषयों पर कदम बढ़ा चुका इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में भी इन मसलों को भुनाएगा, तो पक्ष और विपक्ष के साथ कई संगठन भी जुड़ चुके हैं जो इन मुद्दों को ज्वलंत बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी पलटवार की रणनीति बना ली है। आदिवासी बहुल झारखंड में एक तरफ आदिवासी वोटरों में बिखराव को लेकर सियासत हो रही है, तो दूसरी ओर इन्हें एकजुट रखने में कई संगठन जुट गए हैं। झारखंड में संताल, उराव, हो, खड़िया, मुंडा जैसी बड़ी जनजातियों के अलावा कुल 32 जनजाति समूह के लोग निवास करते हैं। इनकी आबादी करीब 86.45 लाख आंकी गई है, तो वोट प्रतिशत बढ़ाने और घटाने में इनकी भूमिका अहम रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो चुनावी मुद्दों की अगर बात की जाए तो कई ऐसे राष्ट्रीय पार्टी है जो कि राष्ट्रीय मुद्दों को रख रहे हैं, केंद्रीय मुद्दों को ला रहे हैं। लेकिन इस बीच झारखंड की जनता क्या चाहती है, झारखंड के लोकल स्थानीय लोग क्या चाहते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं झारखंड की जो स्थानीय पार्टी है। इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बता दें कि राष्ट्रीय राजद से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा है, इसके साथ ही साथ आजसू से ओम वर्मा जी है और जेबी के एसएस से सतीश जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे जितने भी अतिथि हैं सबसे पहले उनका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत ओम जी से करेंगे, ओम जी बताइए कि इस वक्त जो झारखंड में स्थिति देखी जा रही है, अगर आपके एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो भाजपा नक्सलवाद हटाने को बात कहती है, इसके साथ ही साथ उन मुद्दों को ला रही है जो राष्ट्रीय हित पर है, लेकिन झारखंड की जनता कुछ और ही चाहती है। निश्चित तौर पर एनडीए लोकल मुद्दा सहित पूरे राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर लोकसभा 2024 में चुनाव लड़ रही है। आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तहत 14 लोकसभा में चुनाव लड़ रही है। आजसू पार्टी हमेशा रीजनल पार्टी रही है और रीजनल चीज़ें को लेकर हम पूरे राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और 14 के 14 सीट लोकसभा में जीतकर हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जी, क्या कहेंगे इस पर क्षितिज, उनके पास चलते हैं। क्षितिज बताइए कि इस वक्त चुनावी माहौल तेज है, आप सभी तमाम पार्टियां जो है अपने अपने दमखम आजमाने में लगे हुए हैं, झारखंड की जनता के हित के लिए क्या कर रही है आपकी गठबंधन की सरकार? देखिए, एनडीए के गठबंधन में जो है हमारे भाई है, उन्होंने अच्छी बात कहा कि 13 का 13 सीट पर ये जीतेंगे, लेकिन ये जीतेंगे अच्छी बात है, लेकिन जो इनकी जो पार्टी है वो जीतने के बाद भी झारखंड की जनता केवल लिए कुछ नहीं करती, ना सदन में सवाल पूछ पाती है, ना नरेंद्र मोदी जी से कोई योजना बनाने की बात कर पाती है जिससे कि झारखंड का उत्थान हो। झारखंड का बने हुए इतना दिन हो गया कीर्ति जी, झारखंड सभी चीजों से समृद्ध राज्य है, लेकिन फिर भी इस झारखंड को हमेशा से लूटा गया है और हमेशा से इस झारखंड पर जो लोग ज्यादा दिन तक राज किए हैं वो लोग इस झारखंड को केवल और केवल लूटे, यहाँ के लोगों के लिए वो लोग कुछ नहीं सोचे। तो झारखंड के लोग जो है इस बार समझ गए हैं कि जो 32 का बात करेगा, जो कि सच में 32 को रखेगा, उसी पर के साथ वो जाएंगे। ये लोग जो नरेंद्र मोदी जी के जो साथ लग करके केवल मोदी जी में हाँ और हाँ मिलाते हैं और मोदी है तो मुमकिन है करते हैं, इनको जनता धीरे से नकार देगी। ये 13 सीट का बात करता है करते हैं, मुझे तो लगता है कि इनका खाता खोलना भी कर मोदी हो। क्षितिज, आपके आधा से ज्यादा बातों में, आप तमाम लोगों की बातों में मोदी नाम आता है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं झारखंड की जनता के लिए, झारखंड के हित में क्या कुछ मुद्दे आपकी सरकार रखेगी, इस पर बात करेंगे। सतीश जी के पास चलते हैं, क्योंकि जेबी के एसएस एक ऐसा पार्टी है जो उभर कर सामने आ रहा है। झारखंड की जनता, झारखंड के जो लोकल लोग, स्थानीय लोग है, वो इस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। आप कैसे सतीश जी, झारखंड की जनता के लिए आपकी पार्टी काम करेगी? सबसे पहला विजन हमारा दो लक्ष्यों में हम लोग लेके चले हैं। पहला तो किसान को हम लोग फोकस करेंगे और छात्रों को हम लोग फोकस करेंगे, उसके बाद अपना आगे का लक्ष्य तय करेंगे, क्योंकि मिट्टी और शिक्षा दोनों बहुत अहम पहलू है।
अगर दोनों से झारखंड स्ट्रांग होगा, शिक्षा से स्ट्रांग होगा और खेती से स्ट्रांग होगा, तो स्वावलंबन बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सतीश जी एक बात बताइए, फिलहाल जो वर्तमान में सरकार चल रही है या विपक्षी दल एनडीए के आजसू या भारतीय जनता पार्टी, क्या वो सभी काम कर पा रही है जो झारखंड के आदिवासी जनजाति तक पहुंचने चाहिए थे? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार भी विफल रहा है, ये भी सरकार विफल रहा है, तमाम पूर्ववर्ती सरकार जो रहा है वो विफल रहा है, क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। जो नेता जो लोग चुन के आते हैं वो लोग मात्र 5 सालों के लिए आते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से है। जो लोग एक बार नौकरी में आते हैं और दो दो पीढ़ी नौकरी करके चले जाते हैं, तो जंग वहाँ लगा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को हम लोग को सुधार लाने का जरूरत है। नेता लोग क्या है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के अंडर में रहते हैं 5 सालों तक। क्या कुछ कमी लग रही है सतीश जी, जो इस सरकार में पूरी नहीं की गई है? और एनडीए की जो सरकार है वो कह रही है कि नक्सलवाद को हटाएंगे, रोजगार देंगे और ऐसे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को लाया जा रहा है, झारखंड के जनता के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए? झारखंड के जनता के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम मुद्दा होना चाहिए यहाँ का जो मैंने खाने के लिए लोग तरसता है, मूलभूत सुविधा के लिए तरसता है, और झारखंड से पूरा राज्य सहित पूरे देश का इकोनॉमिक का 40% झारखंड देता है, और यहाँ के लोग अपेक्षित हैं, उपेक्षित हैं। तो सरकार का प्रोजेक्ट तो बहुत चलता है, लेकिन वो लोग बंद एसी कमरा में सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया जाता है, धरातल पे जाके प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाता है। तो हम बार बार बोलना चाहेंगे, सिस्टम दोषी वार है, नेता सिर्फ 5 सालों तक के लिए आता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कठपुतली बन के काम करने का काम करता है। चलिए ओम के पास चलेंगे। ओम जी बताइए कि इस वक्त जो सतीश जी बातें कह रहे हैं सरकार को लेकर या जनता को हित कर लेकर, कितने सहमत है आप इन तमाम मुद्दों से? सतीश जी पिछले कई समय से राजनीतिक में जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। ये लोग हर मकान, हर गांव जाके घूमा है, देखा है कि यहाँ के झारखंडी लोग किस तरह से इन लोग पे अभाव है, अभाव से जी रहे हैं। वर्तमान में एनडीए की सरकार जब से 2014 के बाद आई है, लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना देना हो, हर घर शौचालय निर्माण हो, राशन देने की चीजें, ये सब चीजें एनडीए की सरकार में राज्य की जनता सहित पूरे देश को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि 14 के बाद एनडीए की सरकार जब से देश में आई है, एक विकसित राज्य, विकसित देश के रूप में भारत एक अंतर्राष्ट्रीय में अपनी पहचान बनाया है, और आने वाले दिनों में जितनी समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय रूप में रहती है, राज्य के रूप में, आने वाले समय में जब फिर से एनडीए की सरकार आएगी तो इन सभी विषयों को मिल बैठ कर हम सुलझाएंगे, और यहाँ के राज्य के जनता को किस तरह से और बेहतर सुविधा आएगी तब सुलझाएंगे। सरकार आने से पहले क्यों नहीं आपके जो चुनावी एजेंडे वो मजबूत है, क्या रीजन है कि एक साथ जब घोषणा पत्र होगा तो इसमें झारखंड के रीजनल चीजों को भी आजसू पार्टी और एनडीए से बैठकर, मिल बैठकर ये चीजें को सामने लाएगी कि हमारी जब सरकार, तो ये हमने किया और आने वाले दिनों में ये करें। आप देखेंगे कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हमारे आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने 1.5 लाख परिवार को, जो विस्थापन के लिए कई पीढ़ी से परेशान थे, उनको आज विस्थापन की धरातल पर लाया, उनकी समस्याओं का हल करने का पहल किया। ये एक बड़ी, बहुत बड़ी उपलब्धि है गिरिडीह की जनता के लिए। हम आभार व्यक्त करते हैं पूरे गिरिडीह की जनता को कि 2019 में आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी को सांसद बनाया, और इस बार पुनः भी भारी मतों से जीता कर लाएंगे, और पूरा गिरिडीह के लिए एक बेहतर सुविधा का अवसर आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी के। क्षितिज जी के पास चलते हैं। क्षितिज, क्या कहेंगे आप, फिलहाल क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके पास? देखिए, हम लोग के पास जो है, ये लोग बस नेता नहीं रहे, मुद्दा कहां से लाएंगे ये लोग? महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह देने के लिए, महिलाओं को, युवाओं को रोजगार। आज भी मैं मोदी जी का भाषण, आपने सुना नहीं शायद, ओम जी ने ये कहा कि आपके पास नेता नहीं है तो मुद्दे कहाँ से लेकर आएंगे? निश्चित तौर पर अभी जो इंडिया महागठबंधन बनी है, फेस तो बताए कि कौन प्रधानमंत्री के रूप में दौड़ेंगे, सभी स्टेट में अलग अलग सब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, कौन है ये लोग के नेता, इनको ही लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। आपकी इंडिया गठबंधन और जो महागठबंधन जो यहाँ के युवाओं को ठगने का काम, वर्तमान में आप झारखंड में देखेंगे लूट झूठ पे सरकार बनी है, 5 साल में रोजगार के नाम पर सिर्फ 2000 रोजगार दिया है। वर्तमान सरकार ने कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, 7000। आप बताइए किस बेरोजगार को यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिला? महागठबंधन की सरकार यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को 25 लाख 30 लाख में यहाँ के युवाओं के भविष्य को बेचने का काम किया, ये क्या देश चलाएंगे? ये लोग आपस में लड़ के
ऐसे ही सिर्फ अपने सत्ता के लिए ये लोग कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं मतलब है ना, जो आपके सवाल है वो सवालों के जवाब क्षितिज देने के लिए तैयार है, बोलिए क्षितिज जी। इन्होंने कहा कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं कहूंगा कि क्या सुदेश महतो जीवन में कभी प्रधानमंत्री बन सकते? अरे भाई तो हम लोग कहां बोले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हम राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। देखिए एक एक कर बोले, क्षितिज की बात सुन ले उसके बाद आप जवाब देंगे, बोलिए क्षितिज। सुदेश महतो जी ये जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी वो एक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। काहे तो ऐसी बात परिकल्पना करेंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको आप सोच रहे हैं क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? आप बोल लीजिए, मैं बोलूं कीर्ति जी? हाँ बोलिए क्षितिज। सवाल जवाब देने लगते हैं तो बौखलाहट हो जाती है। प्रवक्ता इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, मैं निवेदन करूंगा दो मिनट ठंडा रखिए। क्षितिज वो कह रहे कि आप उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे इसलिए इस तरीके की बातें कह रहे हैं। हमारे पास इंडिया गठबंधन में वो हर एक नेता के चाह रखता है और वो बन सकता है प्रधानमंत्री जिसकी सबसे ज्यादा जिस पार्टी की सांसद होगी, और जब वो सारे सांसद मिलकर के वो तय करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, तो हमारे यहाँ तेजस्वी जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बाकी जितने भी पार्टी राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बन सकते हैं, और जो लोग भी इस गठबंधन में है वो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है जबकि उनको सांसद ज्यादा से ज्यादा चुनेंगे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं, ये लोग में केवल और केवल एक मोदी जी बनेंगे, इसके बाद मोदी जी जिसको कहेंगे और अमित शाह जिसको कहेंगे वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और ये लोग अपने उससे तो ये लोग सांसद का वो भी नहीं कर सकते हैं कि कौन सांसद का चुनाव है। देखिए और ये लोग कह रहे थे, बात कर रहे थे रोजगार का और ये भ्रष्टाचार का बात कर रहे थे, अपने परिवार को नौकरी में घुसाने वाले लोग जिनका की नंबर नहीं रहता फिर भी नौकरी, ये लोग जब ऐसे बात करते तो बड़ी बचकाना लगता है कीर्ति जी। और दूसरी बात ये रोजगार का 10 साल, आज मोदी जी भी कह रहे थे कि ये तो ट्रेलर था, 10 साल का ट्रेलर दिखाया है इन्होंने, लेकिन इतना लंबा ट्रेलर दिखाने के बावजूद भी इस देश को वह मन से कहना पड़ रहा है उनको कि 5 साल तक मैं और आपको अनाज दूंगा मुफ्त में, इसका 80 करोड़ जनता को अनाज दूंगा, मतलब कि 80 करोड़ देश के जनता को केवल 5 किलो अनाज पर जीवित रखा है। चलिए ठीक है क्षितिज, आपके इस जो सवाल है उसका जवाब हम लेंगे ओम जी से, ओम वर्मा बताएंगे इसका जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले सतीश जी के पास चलते हैं, क्योंकि सतीश जी बताइए JBKSS एक ऐसी पार्टी है जयराम महतो जो उभर कर एक नेता सामने आए और जिस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया, 1932 खतियान हो या सरना धर्म कोड हो, स्थानीय नीति हो, इन तमाम मुद्दों को एक छोटी सी पार्टी जो आपकी झारखंड की पार्टी थी वो उठा रही है, झारखंड के तमाम जनजातीय लोगों से मिल रही है, क्या लगता है कि अभी भी आपने देखा आपके आमने सामने दोनों पक्ष विपक्ष बैठे थे दूसरे मुद्दों पर बात करें लेकिन झारखंड की जनता पर कोई नहीं बात करता? बिल्कुल सही बात है, अगर दोनों ही पार्टी धरातल पे काम किया होता तो आज आप जो बोले छोटी सी पार्टी है, बात तो सही है पार्टी हम लोग का छोटा है, लेकिन पूरा धरातल पे पकड़ इतना मजबूत हो चुका है कि तमाम राष्ट्रीय पार्टियां चाहे वो BJP हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी हो, सबका अपना जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ आपके पास चुनावी एजेंडे हैं जो फिलहाल आपको लगता है, मैं दोबारा से पूछूंगी कि ये तमाम पार्टियां नहीं कर पा रही है क्योंकि JBKSS को कहीं ना कहीं युवा वर्ग के लोग पसंद करते हैं? तो हम लोग का चुनावी एजेंडा में मुख्य तौर पे हम लोग सबसे पहला फोकस करेंगे यहाँ का खेती को, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को, और यहाँ काम कर रहे पूर्ववर्ती बड़े बड़े कंपनी जैसे CCL BCCL और तमाम कंपनी उन लोग का CSR का पैसा ही लोग जो गबन करता है, हम लोग पहले उसको फोकस करेंगे और उसके बाद नया जो प्लान है उसके लिए भी नया प्लान हम लोग अलग से करेंगे। चलिए ओम जी के पास चलते हैं, इन्होंने जो बात कही कि CCL BCCL जैसे बड़े कंपनियों के पैसे गबन किए जा रहे, कौन करता है, केंद्र सरकार की झारखंड की सरकार? निश्चित तौर पर जो ये जो कंपनियां होती है वो हमारे राज्य में आई है, प्रथम अधिकार हमला प्राथमिकता यहाँ के राज्य के लोगों को दिया जाना चाहिए, नौकरी हो चाहे जो बेसिक सुविधाएं हैं, वर्तमान में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, चूँकि हमारे एक सांसद है आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, वो अपने पहली बार 2019 में आज शुद्ध एक सांसद बन के दिल्ली पे गए हैं,
जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में जितने काम होती है, विस्थापन से मुद्दा जितना मुद्दा है, उनको लेकर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उनके विस्थापन के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको उनका हक और अधिकार दिन आने वाले दिनों में जब ये सरकार बदलेगी, या वर्तमान में महागठबंधन की राज्य की जो सरकार है, तब आने वाले दिनों में जब एनडीए की सरकार बनेगी, तो ये जो विस्थापन जो सबसे अहम मुद्दा है उसको लेकर आज सब मुखर रहेगी और इन समस्याओं का समाधान जल्द करेगी। चूंकि ओम जी, अगर 1932 खतियान की बात की जाए सरना धर्म कोड की, तो इसमें आपके सुप्रीमो जो है सुदेश महतो जी ने हालांकि इसका समर्थन किया था, वो भी चाहते थे कि लागू हो जाए राज्य में, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं इसमें लोग कह रहे हैं कि उनके कारण है, उनका उनकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन केंद्र एनडीए की सरकार में आपकी गठबंधन वर्तमान की सरकार महागठबंधन की सरकार जो बनी है लूट झूठ पे बनी है। ये लोग कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 की खतियान आधारित हम नियोजन नीति लाएंगे। ये लोग सब मिलकर विधानसभा में अब साइन करके कर दिए। क्या 1932 का खतियान आज तक 5 साल में लागू हो पाया? यहाँ पे नियोजन नीति लागू हो पाया? सरना धर्म कोड इन्होंने कहा कि अपने से पल्ला झाड़ के केंद्र सरकार को भेज दिया। केंद्र सरकार को भेजने से पहले राज्यपाल महोदया के पास गया, हाईकोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक चीज है, इसको पहले फिर से करेक्शन कीजिए, फिर वापस लाइए। तो निश्चित तौर पर यह सरकार की कभी मंशा नहीं रही है कि यहाँ के लोगों को रोजगार दे, तब जाके ऐसी ऐसी चीजें करती है। जब काम करने का समय आता है तो अपने पैर खींच। चलिए क्षितिज जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्षितिज से जवाब लेंगे, बोलिए। पूछे जरा सा, इन्होंने कितने बार, इनकी भी सरकार रही 17 वर्षों तक, इन्होंने पूछे कि इन्होंने कितने बार 1932 का बात किया और कितनी बार इसको पारित करके सरकार को भेजा। एक एक कर बोलेंगे, पहले सुन लेते हैं क्षितिज जी की बात सुन लेते हैं, बोलिए। सांसद 5 साल तक आपके सांसद हैं गिरिडीह से, मैं पूछता हूँ कि सदन में 5 ऐसे मुद्दे उठा दिए, बता दीजिए। आप अखबार के लिए चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर देंगे क्या क्या चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने सदन में बातों को उठाया अपने लोकसभा क्षेत्र से पूरे राज्य के लिए। आप पर्सनली व्हाट्सएप हमको क्यों करेंगे, यहाँ बता दीजिए, जनता भी जान ले। आप पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे तो जितनी समस्या है, सबसे बड़ा विस्थापन का मुद्दा था, उसको लेके पूरे 1.5 लाख परिवार 3 पीढ़ी से परेशान थे, उसको धरातल पर लाया। उनका जो विस्थापन का हक और अधिकार होता है, जिनकी भूमि जाति इनको नौकरी में प्राथमिकता चाहिए, उनको दिलाने का काम किया। चलिए क्षितिज, आपका आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, देखेंगे क्या तकनीकी खराबी है, तब तक हम सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी बताइए कि जिस तरीके से ये सभी बात कह रहे हैं, झारखंड के अलग अलग विभिन्न जो जिले हैं वहां पर जनजातीय लोग, आदिवासी जनजातीय 32 समाज के 32 जनजातीय के लोग रहते हैं, क्या उन तक जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंच रही है? बिल्कुल नहीं। पूर्ववर्ती जो भी सरकार है, चाहे वो भाजपा का रहे चाहे कांग्रेस का रहे, कोई भी योजना धरातल पे पूरा गांव का जो डिबरी में खाना बनाने वाला अंतिम व्यक्ति तक अपने बातों को और अपना प्रोजेक्ट्स को और अपना योजना को पहुंचाने में असफल रहा है, चाहे वो कि राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो राजकीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, धरातल पे उतारने पे नहीं पहुंच पाया है, धरातल तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। लग रही है इन जिलों में, कोई भी जिला जाइए, प्रोजेक्ट बहुत सारा बनता है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट्स बनता है वो बंद कमरे के अंदर एसी चेंबर में बनाया जाता है, वो प्रोजेक्ट धरातल पे जाके नहीं बनता, जहां पे वो प्रोजेक्ट लगाना है वहां पे जाके नहीं लगाया जाता है। प्रोजेक्ट बनाना है तो धरातल पे जाके वहां ऑफिसर्स को जाके वहां देखना होगा, फिजिकली विजिट करके प्रोजेक्ट बनना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो प्रोजेक्ट बनता है हम लोग का सरकार में, चाहे वो किसी का भी सरकार रहे, वही एसी चैम्बर में बनता है, तो क्रियान्वयन में दिक्कत है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में दिक्कत है, यहाँ हम लोग को जंग लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग को सुधार लाने का जरूरत है। जी चलिए ओम वर्मा जी के पास चलते हैं। ओम जी बताइए कि जिस तरीके से HEC का एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं भाजपा को हर बार घेरे में लिया जाता है, लेकिन आजसू किस तरीके से बात करती है अपने सहयोगी पार्टी के लोगों से? पर HEC बड़ा पुराना है, ये कंपनी है, यहाँ पे मजदूर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जाके उनकी समस्याओं से अवगत किया है और फिर उसको जब पार्टी के एजेंडे पर आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के समक्ष रखा, आने वाले समय में हमारे पार्टी ये इन सभी समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे और इनका समस्या का समाधान के लिए उचित पहल करेंगे। चुनाव को लेकर क्या लगता है, पार्टी के अंदर कैसी तैयारी चल रही है? चूंकि आजसू जो है बहुत पुराना झारखंड राज्य की पार्टी माना जाता है, तो क्या कुछ आजसू का जो एजेंडा है युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर कैसे तैयार की गई है? एक तरह से आप देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव देश के स्तर पे होता है, आजसू पार्टी रीजनल पार्टी है,
अपनी रीजनल चीजों को एजेंडे को लेकर हम लोग हमेशा से केंद्र सरकार को अपनी बात से अवगत कराते हैं, और आने वाले दिनों में जब जब राज्य की बातें आएंगी तो आजसू सबसे पहले खड़े होकर अपनी रीजनल चीजों को बताएगा। आजसू पार्टी और एनडीए की एक बैठक हुई, बैठक में आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी कार्यकर्ता तक एक साथ एकजुट होकर मिलकर केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनकी बताने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार एनडीए की सरकार ने क्या क्या काम किया और विभिन्न चीजें जो राज्य पिछले कई सालों से। चलिए क्षितिज जुड़ चुके हैं, वो इस पर जवाब देना चाहते हैं, उनका सुन लेते हैं। बोलिए क्षितिज जी। इन्होंने कहा कि ये लोग बैठ करके बात किए हैं, आप हमें बताइए कि आप लोगों ने झारखंड के लिए सुदेश महतो ने क्या क्या जी ने क्या क्या चीजों को रखा और वो झारखंड के लिए क्या क्या करेंगे। आप जो नरेंद्र मोदी जी से आप लोग किए हैं और आपने कहा कि विस्थापन को वो नहीं रुका है, बाकी सारी चीजों का आपने कहा व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो हम इंतजार करेंगे कि आप हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। लेकिन कीर्ति जी देखिए, कोई भी पार्टी जिसको कि आपके झारखंड के हमारे आदिवासी भाई जनाधार दे रहे हैं वो सांसद बना करके उन्हें भेज रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग को संसदन में जा करके। लेकिन क्षितिज एक सवाल का जवाब दीजिए, चूंकि सत्ता में इस वक्त आपकी सरकार गठबंधन की सरकार है, कई मुद्दे हैं जिस पर 5 साल से ज्यादा हो गए आपकी सरकार बने हुए, कई मुद्दे हैं जो अब तक नहीं हो पाए हैं, वो मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है, विकास नहीं हो पाया, क्या कारण है? हमने नियोजन नीति बनाई, ये लोग उसका भी विरोध किए, युवाओं को हम लोग रोजगार देना चाहते थे उसका भी विरोध किए ये लोगों ने। हमारी सरकार काम कर रही है, केंद्रीय सरकार किस तरह से हमें परेशान, पहले तो 2.5 साल हमें कोरोना के कारण, जो कि हमारी सरकार ने कोरोना में सबसे पहले वो चाही है कि हमारे लोगों को बचाए, जिसमें हम लोग सफल भी हुए। चलिए ओम जी के पास चलते हैं, क्योंकि इन्होंने इनसे जैसे ही मैंने सवाल किया ओम जी ने धीरे से फुसफुसाया कि एनडीए शायद इनका जवाब होगा और सच में घूम फिर कर बात केंद्र पर आ गई, क्या कहेंगे? देखिए वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार, जो प्रवक्ता महोदय बोल रहा है, इससे राज्य के लोग अवगत है कि ये जो वर्तमान सरकार है राज्य के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए किसी तरह का कुछ काम नहीं किया, ये जो जो कहा उससे करने का काम नहीं किया। तो इन्होंने सुन लेते ओम जी, आप देखेंगे जवाब प्रज्ञा केंद्र में यहाँ के स्टूडेंट जाते, आवासीय जाति भ्रष्टाचार का माहौल, बिना 100-200 दिए एक आवासीय और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो ये लोग क्या बात करेंगे? यहाँ के छात्र युवा एकजुट होकर आने वाले दिन में इस लूट और झूठ की सरकार को खाड़ कर फेंकने का काम करें, जो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना जो लाते हैं धरातल पर, ये लोग बालू का अभी तक सप्लाई नहीं कर पाए कितने सालों से, जिसके कारण आवासीय योजना नहीं बन पा रही, क्या ये लोग महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं? पैसे नहीं भेज रही है, लेकिन अब तो आवासीय योजना बढ़कर अबुआ सरकारी अबुआ आवास योजना हो गई और कई लोगों को इसका लाभ भी मिला है। आप जाके देखेंगे क्षेत्र में तो बालू की कमी के कारण आवास नहीं बन पा रहा है, बालू चोरी छिपे बिक रहा है, उस पर भ्रष्टाचार पे पूरा संलिप्त है ये महागठबंधन। हमको आप रिपोर्ट लिख करके दे दीजिए ना, कहाँ कहाँ बालू चोरी बिक रहा है, हम उसको रोकवा देंगे। चलिए सतीश जी के पास चलते हैं, सतीश जी आए दिन अखबार में दिखता है, न्यूज़ में चल रहा है कि आज बालू का किस तरह का रहे, सतीश जी के पास चलते हैं, सतीश जी के पास चलते हैं, चूंकि ग्रामीण पार्टी है उनकी, उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जा रही है, दूसरी तरफ अबुआ आवास योजना की बात की जा रही है, लगता है कि धरातल पर इसका लाभ मिल पाया है लोगों को? नहीं, धरातल पे तो इसका लाभ नहीं मिल पाया। और अभी जो बात कही है बालू का, तो बालू तो सबसे छोटा चीज है, जब से झारखंड बना है बिहार काल से ही हमेशा से झारखंड को लूटने का काम किया है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने झारखंड को चारागाह के नज़र से देखा। ये बालू तो सबसे छोटा चीज़ है, कोयला तो आँखों से दिखता है, यहाँ यूरेनियम गायब हो रहा है, सोना गायब हो रहा है, पन्ना गायब हो रहा है, तमाम महंगा। क्या लगता है कारण, क्या लगता है सतीश जी किसकी वजह से हो रहा है? सरकार कोई भी आए बोल तो रहे हैं सिस्टम यहाँ दोषी वार है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला रहा है नेताओं को, नेता सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं लेकिन जो ऑफिसर्स आते हैं वो 25 सालों तक के लिए आते हैं, अपना पीढ़ी दर पीढ़ी फॉल्स सर्टिफिकेट दे के यहाँ सब नौकरी करता है और अपना पीढ़ी को बढ़ाने के लिए उल्लू का भी दूसरा पीढ़ी का भी नौकरी लगा दे रहा है। तो झारखंड को चारागाह बनाया गया है शुरू से और सब कोई चारागाह के नजर से देखता है, कोई कोयला लूटेगा, कोई बालू लूटेगा, कोई पन्ना लूटेगा,
कोई नीलम लुटेगा। सतीश जी समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरा आखिरी सवाल जो है ये सुन लीजिए, शॉर्ट में बोलिएगा कि फिलहाल जो आप देख सकते हैं आपके सामने पक्ष विपक्ष के सहयोगी दल के लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे में लगता है कि जेबीकेएसएस जो है टक्कर दे पाएगी, चूंकि चुनाव में आगामी लोकसभा चुनाव हो विधानसभा चुनाव हो इसके लिए आपकी पार्टी भी तैयारी कर रही है, जनहित तक अपने मुद्दे भी पहुंचा रही है। बिल्कुल, विगत 2-3-4 सालों में जो आंदोलन हुआ है उसके माध्यम से हम लोगों को इलेक्शन में अपना वोट मांगने का जरूरत नहीं है। हम लोग जो क्षेत्र में रहें, हम लोग हमेशा मिट्टी से जुड़ के रहें, किसानों के साथ छात्रों के साथ मिल के रहें, तो हम लोग को इलेक्शन में अलग से तैयारी करने का जरूरत नहीं है। जो हम लोग का 2-3 सालों का जो विगत आंदोलन चला, अलग झारखंड राज्य का आंदोलन चला, तमाम झारखंड आंदोलनकारी हम लोग के साथ एकत्रित हो रहे हैं और उन लोगों का पार्टी से ऊपर उठ के तमाम झारखंड आंदोलनकारी जेबीकेएसएस को, झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा को सपोर्ट कर रहे हैं। टाइगर जयराम बाबू का जो भाषण में जो पावर है वो पूरा राज्य से पूरा देश से ऊपर उठ के पूरा विश्व स्तर पे अपना पहचान बना चुका है। शॉर्ट में बोलेंगे, एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया कि पूरा सिस्टम जो है भ्रष्टाचार की है, इन्होंने सरकार की बात कही, सरकार को इसका कारण बताया है। शॉर्ट में जवाब देंगे क्षितिज जी। मैं समझता हूँ इनके बात से, मैं कहीं हद तक सहमत भी हूँ, क्योंकि लोग अगर अपने परिवार को सर्टिफिकेट बांटेंगे, जब जेपीएससी का एग्जाम निकालेंगे और इसके बाद रिजल्ट में घोटाला ये लोग करेंगे, और पहले तो एग्जाम नहीं लेंगे और लेंगे तो इसके बाद घोटाला करेंगे, अपने परिवार को सर्टिफिकेट बांट देंगे, तो ऐसा होगा, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आप अधिकारियों पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, यह भी सही नहीं है। सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते हैं, अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए। हम किसी का पर्सनली नाम नहीं लिए हैं, लेकिन जो लोग सिस्टम बना रहे हैं और जो लोग सिस्टम चला रहे हैं उनका हम बोले हैं, पर्सनली किसी का नाम नहीं लिए हैं, लेकिन आप खुद सरकार में हैं, आप खुद देख सकते हैं क्रियान्वयन में कितना दिक्कत है। डीएमएफटी फंड 5,000 कुछ 11,800 करोड़ रुपया डीएमएफटी फंड था, पूरा सरकार का तंत्र मिलके तमाम ऑफिसर मिलके 5,000 कुछ करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट बना के लैप्स कर जाता है पैसा। शॉर्ट में जवाब देंगे, समय की कमी हमारे पास। ये कह रहे क्षितिज जी ने कहा कि अपने परिवार के लोगों को लाने की बात कही, जेपीएससी की बात कही, क्या लग रहा है? देखिए क्या है कि वर्तमान सरकार को आरोप प्रत्यारोप सिर्फ करना आता है। जो ये एजेंडा बना के आए थे चुनाव के 19 से पहले कि हम ये काम करेंगे, अपनी काम करने में विफल दिखे हैं। इस चलते इन लोगों का काम है कि आप दूसरे को दोष देके कि अगर कोरोना आया तो एनडीए ला दिया, ठीक ना, राज्य में जेएसएससी का क्वेश्चन लीक हुआ तो एनडीए ला दिया। तो भैया आप क्या कर रहे हैं, आप तो 5 साल से सरकार में चला, क्या कर रहे हैं? अगर प्रज्ञा केंद्र में 100-200 लेके आवासीय जाति प्रमाण कर रहे तो वो एनडीए ला दिया। तो इनका सिर्फ काम है आरोप प्रत्यारोप लगा के अपनी बातों को सिर्फ ऐसे करके निकल जाना। राज्य सरकार चूंकि समय की कमी है हमारे पास, तो इस चर्चा को फिलहाल यहीं पर रोकते हैं। क्षितिज दूसरे चर्चा में जरूर आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पर आगे, तो फिलहाल जो है इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। और देख सकते हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं वो ताना बाना बुनने में लग चुकी है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियां अपने चुनावी एजेंडे चुनावी मुद्दों को सामने ला रही है। और ऐसे में देखना होगा कि झारखंड के जो धरातल पर लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनकी जो लोकल मांग है वो कितनी पूरी होती है, क्योंकि तमाम पार्टियां ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस कर रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि झारखंड के लोगों को इसका कितना लाभ मिल पाता है। ऐसे तमाम चर्चाओं के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।